ठीक है, सो स्टार्ट करें आज टॉपिक को, इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। मैंने क्लास ली थी सभी बच्चों की कंबाइन करा के, उसके बाद आज ही मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की। सो काइंडली एक बार बताओ, एग्जाम में मैं जानता हूँ कुछ मोटर के क्वेश्चन जरूर आए हैं। लास्ट में हम लोगों ने कवर अप किया था पूरा सिलेबस, तो मोटर पे मैंने डिस्कशन नहीं किया था। एज एनसीईआरटी में मोटर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद बता रखी है। अब वो जैसा भी कंसिडर कर रहे हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करके नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है जी। पूछिए आप पहले, तो हम एग्जाम से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जो भी कुछ एग्जाम में हुआ है उसमें कहीं पर कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो पहले वो बता दीजिए सभी। आफ्टर दैट मैं आपको अभी एक चैप्टर आराम से कंप्लीट कराऊंगा। देखो बेटा, मैंने पहले बोला था मैग्नेटिक सब्सटेंस तीन होते हैं, आयरन, कोबाल्ट। क्लास अटेंड करी थी, निकल। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर इनमें से किसी का थोड़ा बहुत पार्ट भी प्रेजेंट है तो वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब आप उस ऑप्शंस में जाकर देखिए कि एक नाम क्या बताया आपने, कोबाल्ट, तनु, वन वॉज कोबाल्ट, अनदर नेम वॉज निकल, और एक बार अनम्यूट करके मुझे बताना, कंफर्म करना, ठीक है, एक बार कंफर्म करके बताना। और कौन कौन से ऑप्शन थे तनु? ब्रास था ना, और मैं दिख नहीं रहा, ब्रास था, और एक था स्टील। चलो अब आप लोगों को पता होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, स्टील इज एलॉय ऑफ आयरन, इट इज एलॉय ऑफ आयरन। तो इसमें आयरन होगा तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, इट विल डेफिनेटली गेट अट्रैक्टेड। निकल कंपोनेंट है ही यहाँ पर, नाम है ही, कोबाल्ट भी नाम है, बचा क्या, ब्रास। तो ब्रास इज नॉट अट्रैक्टेड क्योंकि ये कॉपर का एलॉय है, आंसर उसका ब्रास आएगा बेटा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? पहले एक बार जल्दी जल्दी एग्जाम से डिस्कशन कर लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। और कोई क्वेश्चन है? गाड़ी पे नंबर क्यों डले? गाड़ी पे नंबर नहीं, ये नंबर ऑन लोकेशन है, गाड़ी की लोकेशन है ना, गाड़ी नंबर पहले यहां पे। ठीक है, चलो देन हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर से, क्योंकि ये वाला टॉपिक एक बार मैं देख लेता हूं कहां तक आपको देख पा रहा है। वेट सेकंड, मुझे बता देना अगर आप लोगों को विजिबल ना हो तो। आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर। अब इधर से क्वेश्चन क्या आते हैं, एक दो टर्म्स के नाम सुनना। कभी भी ना किसी एपरेटस, किसी भी चीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कोई भी चीज है, जनरेटर हो, मोटर हो, किसी की भी बात कर रहे हैं, अगर हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें मेनली तीन चीजों के बारे में पढ़ना होता है बेटा। एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब साइंस का कोई ना कोई एक रूल उस चीज पर लग रहा होगा जिसकी वजह से वो वर्क कर रही है। मोटर के ऊपर कौन सा साइंटिफिक फिनोमिना लग रहा है जिसकी वजह से वो वर्क कर रही है। बेसिकली आप समझो मोटर का वर्क क्या है, रोटेट करना। एक बेसिक बात है, किसी भी मोटर की बात करें उसका काम होता है रोटेटरी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना। रोटेट करके उसके पास जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका किसी और तरह से यूज कर लेंगे, उसको किसी और काम में इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे फैन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, पंप है, उसके अंदर एक मोटर होती है, वो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी बनाएगी और पानी को एक लोअर हाइट से हायर हाइट तक पहुंचाएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं। तो बेसिकली काम मोटर का है रोटेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है।
तो सबसे पहला काम हमें तीन चीजें पढ़नी होंगी किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की स्टडी के लिए। बेटा मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसको भी जरूरत होगी मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? मैं आप लोगों की परमिशन डिनाई करवा रहा हूँ, और जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी वो मुझे एक बार मैसेज कर देना कि सर यही चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं उस समय आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे दूंगा। नाउ इलेक्ट्रिक मोटर में सबसे पहला चीज हम जो पढ़ेंगे या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की स्टडी में जो भी चीज हम पढ़ते हैं सबसे पहले, वो होती है उसकी प्रिंसिपल, कि किस साइंटिफिक फिनोमिना पर ये चीज काम कर रही है, ठीक है? अब इसका काम करने का तरीका क्या है, हमने पहले ही बिल्कुल जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना, जब मैंने सारी क्लासेस कंबाइन करी थी, तो मैंने एक चीज पढ़ाई थी। मैंने बोला था कि जब कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैं यहां पर रफली बता रहा हूं, ठीक है? व्हेन देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, सेकेंड कंडीशन, ये दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करें, दीज टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट्स, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करती हूं विद ईच अदर, तो इन पर किसी ना किसी तरह का फोर्स लगेगा। कितने तरह के फोर्स हो सकते हैं? एक तरह का फोर्स होता है लीनियर। बेटा देखो, इस मार्कर को कंसिडर करूं, मैं इस पर कैसे कैसे फोर्स लगा सकता हूं? एक ऐसा फोर्स होगा जो इसे एक स्ट्रेट लाइन में मूव कराएगा, आगे हो सकता है, पीछे की तरफ हो सकता है, आपकी तरफ हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है, या किसी एंगल पर हो सकता है, तो उसे लीनियर फोर्स कहेंगे। मतलब इसका जो इफेक्ट आएगा ना ऑब्जेक्ट पर वो लीनियर होगा, इसलिए हम इसे लीनियर फोर्स कह सकते हैं। लेकिन एक ऐसा फोर्स हो सकता है, जैसे इसी मार्कर पर मैंने ऐसा फोर्स लगाया जिसकी वजह से, जैसे अभी समझो एक ऐसा फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स है, इस फोर्स की वजह से इस पर क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। इस फोर्स को जनरली हम टॉर्क कहते हैं, हम इसे रोटेटिंग फोर्स कह देते हैं। एक बार इसके लिए बेसिक जनरल वर्ड होता है टॉर्क, हम इसे टॉर्क कहते हैं। तो एक्चुअली अगर मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, ठीक है, इनका इंटरेक्शन हो रहा है, तो उन पर फोर्स लगेगा, या तो लीनियर फोर्स लगेगा या तो टॉर्क लगेगा, जिसे रोटेटिंग फोर्स कहते हैं। अब हमें यहां पर सबसे पहली चीज प्रिंसिपल में यही पढ़ना है। प्रिंसिपल में क्या लिखा जाता है इसके, ठीक है, मैं इनको चाहे तो आप बाद में नोट कर लेना, इसको मैं फिलहाल यहाँ बॉक्स में रख रहा हूँ, ये थोड़ा सा पुराना रिविजन है। प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ये कहता है, इसका क्वेश्चन यहां से आता है बेटा, व्हेन टू मैग्नेटिक, नहीं ये तो मैं लिखवा चुका हूं, थोड़ा आपका एनसीईआरटी के बेस पर बात करते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी में लिखा है, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज कैप्ट इन साइड मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। लेकिन मैं ये लिखना चाहूंगा इट मे एक्सपीरियंस, क्योंकि आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? जैसे इट मे एक्सपीरियंस अ फोर्स, मैंने वर्ड मे इसलिए यूज करा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा भी हो सकता है देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स बट स्टिल देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन एन आइदर ऑफ द बॉडी। जो दो बॉडी मैग्नेटिक फील्ड बना रही होंगी ना, उनमें से किसी पर फोर्स नहीं लग रहा होगा, उसको अभी हम यहीं के यहीं पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के। जरा समझा देता हूं कि कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखता हूं, तो इस पर फोर्स कब लगेगा कब नहीं लगेगा। तो मैं अब अगला टॉपिक इसके अंदर ही मोटर के साथ ही एक टॉपिक समझाता चलता हूं, कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कैप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, कैप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड।
क्या क्या कंडीशन है उसको जानने के लिए बेटा एक छोटे से फॉर्मूले को ध्यान रखना पड़ेगा। एक मिनट मैं बोर्ड का देख लेता हूँ कहाँ तक आपको दिख पाएगा। दिस इज अप टू हियर आई थिंक, है ना, पूरा ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बता देना इस साइड थोड़ा सा, मे बी यहाँ का कुछ छुपे तो उस समय मुझे बता देना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला समझना बेटा, ये फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर होता है बी आई एल साइन थीटा। अब इसमें सारा जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना बेटा, वो होता है साइन थीटा। क्योंकि एक बात समझते हैं, फोर्स जैसे मैं चेक करना चाह रहा हूं इस केस में, मैंने मान लो इन दोनों मैग्नेट को फिक्स कर दिया। अब मैंने इन्हें फिक्स कर दिया, इन पर फोर्स लग तो रहा है लेकिन इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ना ये मूव करेगा ना ये रोटेट करेगा। तो हम जो देख रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ना यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है, इस पर फोर्स क्या क्या लगेंगे। एक बार मैं टर्म्स लिखता हूँ, एफ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा है, बिना वाईफाई के चल रहा है। वाईफाई से जोड़ता हूँ, कभी भी मेरा जूम नहीं कनेक्ट होता वाईफाई से, जूम कनेक्ट नहीं होता, मोबाइल नेटवर्क से होता है। अब बंद हो गया अपने आप ही, देखो।
से होते हुए करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। मीटिंग तो ओवर हो गई, क्या करें, छोड़ देते हैं अब। हाँ।